हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसान भाषा में और आसान ट्रिक के साथ सरल करेंगे। ये देखिए हमारा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कोमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी है। ये एक संबंध दे रखा है, द्वारा परिभाषित संबंध आर समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। यहाँ आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। समतुल्य की जांच के लिए यदि ए अवयवी है आर, तब ए कोमा ए अवयवी होगा आर का, और सममित के लिए यदि ए कोमा बी अवयवी है आर, तब बी कोमा ए आर के अवयवी होंगे। हम तीन और चार अवयवी लेते हैं आर के, तब चार और तीन भी अवयवी होंगे आर के। ये है सममित के लिए। अब संक्रामक के लिए यदि a कोमा b अवयवी है r तथा b कोमा c अवयवी है r, तब a कोमा c ये भी अवयवी होगा r का। जैसे देखो, तीन और चार अवयवी है r के तथा चार और पांच अवयवी है r के, तो तीन और पांच भी अवयवी होंगे r के। ये हमारे प्रश्न में दे रखा है। अब समतुल्य के लिए जांच के लिए देखिए, माना a अवयवी है r, तब a बराबर होगा a, इसलिए a लेस देन और इक्वल टू a। देखो जैसे पांच अवयवी है r का, तो पांच इक्वल होगा पांच के, अर्थात a कॉमा a अवयवी है r, इसलिए r समतुल्य है। अब सममित की जांच के लिए माना a कोमा b अवयवी है r के, तो a लेस देन इक्वल टू b, परंतु b लेस देन इक्वल टू a, ये सत्य है। जैसे देखो, तीन है जो चार से छोटा है, परंतु चार तीन से छोटा नहीं है, ये असत्य है। इसलिए b कोमा a अवयवी नहीं होंगे r के, इसलिए r सममित नहीं है। अब संक्रामकता की जांच के लिए ये देखो हमारा संबंध दे रखा है, माना a कोमा b अवयवी है r के तथा b कोमा c अवयवी है r के। अब a लेस देन इक्वल टू b तथा b लेस देन इक्वल टू c, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c। जैसे तीन चार और पांच एलिमेंट है r के, तो तीन छोटा होगा चार से तथा चार छोटा होगा पांच से, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई तीन भी छोटा होगा पांच से, इसलिए a लेस देन इक्वल टू c। a कोमा c अभी भी है r के, अतः r संक्रामक है। इति सिद्धम्। ये सोल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।